क्या हुआ गुरुदेव? शिष्य चौरंगी नाथ, इस जंगल से हमें ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं मानो कोई असहनीय पीड़ा से करहा रहा हो। जी हाँ गुरुदेव, और ये चित्कार तो दक्षिण दिशा से हो रही है, हमें चलकर देखना चाहिए गुरुदेव। चलो। गुरुदेव, इतना घोर अन्याय! हे गुरु गोरखनाथ, इन योगियों पर तो बहुत अत्याचार हुआ है। गुरुदेव, अगर आपने यथाशीघ्र इनकी सहायता नहीं की तो ये तो सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। शिष्य ओगड़नाथ, अगर हम यहाँ नहीं आते तो ये योगी अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन अब हमारे होते ऐसा कदापि नहीं होगा। हम अभी अपनी योग शक्ति द्वारा इन्हें पूर्ण स्वस्थ कर देते हैं।
हे गुरु गोरखनाथ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो मेरे शिष्यों। हे शिव अवतारी, हे नाथ शिरोमणि, आज आपने यहां आकर हमें नया जीवन प्रदान किया है। अन्यथा हम तो इस घायल अवस्था में हो रही इस असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते। हे योगी जनों, यदि हमें आपकी वो दर्द भरी चित्कारें न सुनती तो कदाचित हम यहां नहीं आते, और निश्चित ही मृत्यु अब तक आपको अपने आगोश में ले चुकी होती। लेकिन आप इस अवस्था में कैसे पहुंचे? किस दुष्ट अधर्मी ने आप जैसे महान संतों का अनादर किया है? हमारे हृदय में ये सब जानने की जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि ये अक्षेत्र तो योग सिद्धि के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। हे गुरु गोरखनाथ, ये क्षेत्र योग साधना तप सिद्धि के लिए पवित्र था, इसलिए ही हम साधु योगी यहां दूर दूर से तपस्या करने आते हैं। लेकिन योगीराज, अब ऐसा नहीं है। अब यह क्षेत्र बहुत अपवित्र हो गया है। अपवित्र हो गया है, परंतु क्यों? क्योंकि महाराज, इस जंगल में सुबाहु नामक एक अत्यंत ही शक्तिशाली और मायावी नरभक्षी राक्षस ने डेरा जमा लिया है। जब भी हम योग सिद्धि के लिए कोई यज्ञ का आयोजन करते हैं तो वो उसमें मदिरा, हड्डियां आदि डालकर हमारे अनुष्ठान को दूषित कर देता है, तथा प्रतिदिन न जाने कितने ही साधु योगियों को मार कर खा जाता है। क्या? हाँ महाराज, इसके कारण हम योगियों की संख्या काफी कम हो गई है, तथा यज्ञ में बार बार विघ्न पड़ने से हमारी शक्तियां भी बहुत क्षीण हो गई हैं। अब तो ऐसा लगता है योगीराज कि आज नहीं तो कल वो राक्षस हमें भी मारकर खा जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब उस दुष्ट राक्षस सुबाहु का आतंक इन जंगलों में और नहीं होगा। मेरे प्रिय शिष्यों, हमें इस बात का बेहद अफसोस व दुख है कि हम आपके पास विलंब से पहुंचे हैं, लेकिन अब आपकी रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा है, और अब से पहले जो साधु योगी उस दुष्ट राक्षस के हाथों मारे गए हैं, अगर संभव हुआ तो हम उन्हें भी पुनः जीवन प्रदान करेंगे। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, अब हमारी सारी आशाओं के सूत्रधार आप ही हैं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर इतना सामर्थ्य किसी में नहीं जो उस शक्तिशाली राक्षस सुबाहु का सामना कर सके। अगर उस दुष्ट राक्षस का अंत हुआ तो सचमुच ये आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। नहीं मेरे शिष्यों, इसमें उपकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अपने शिष्यों व भक्तों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है, और वैसे भी हमारा अवतार इस पृथ्वी से दुष्ट
पापियों व अधर्मियों का विनाश करने के लिए हुआ है। अतः हे योगी जनों, आप निश्चिंत होकर अपने हवन कुंड को उन्हें स्थापित कर फिर से यज्ञ प्रारंभ करें। जैसी आपकी आज्ञा नाथ शिरोमणि। प्रणाम गुरुदेव। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयो स्वाहा। परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अग्निव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् येन ध्यासमिदमहं मन्त्रिका सत्यमुपैमो स्वाहा। लगता है उन दुष्ट योगियों ने फिर से यज्ञ प्रारंभ कर दिया।
दुष्ट योगियों, क्या तुम्हारे हृदय से सुबाहु का आतंक समाप्त हो गया? क्या तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं रहा जो पुनः यज्ञ प्रारंभ कर दिया?
दुष्ट, कौन हो तुम जो इन योगियों की रक्षा कर सुबाहु की क्रोधाग्नि को भड़का रही हो? हमें अपना परिचय दो दुष्ट। मैं तुम्हारी मृत्यु से पहले तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं। हमें अपना परिचय स्वयं देने की आदत नहीं है सुबाहु, और वैसे भी काल का कोई परिचय नहीं होता। अपने भक्तों व शिष्यों की रक्षा करना व तुम्हारे जैसे पापी व धर्मी का संहार करना ही हमारा परिचय है। और इस समय महायोगी मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ के रूप में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। गोरखनाथ तो तुम हो गोरखनाथ। बड़ी चर्चा सुनी है हमने तुम्हारी। अपने आप को बड़ा शक्तिवान समझते हो। लेकिन मूर्ख योगी गोरखनाथ, तुम्हें शायद सुबाहु की इन मजबूत भुजाओं की शक्ति के बारे में ज्ञात नहीं। अगर इनकी पकड़ में एक बार स्वयं विष्णु भी आ जाए तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दिए वरदान के कारण मेरी इन भुजाओं की शक्ति के आगे पूरी सृष्टि में कोई नहीं ठहर सकता। दुष्ट सुबाहु, भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें ये वरदान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इसलिए दिया था ताकि तुम अपनी भुजाओं की शक्ति से पापी अधर्मियों का विनाश कर सको। किंतु तुम तो स्वयं ही अधर्म के मार्ग पर चलने लगे और अभिमानवश अपने आप को भगवान से भी बढ़कर समझने लगे। परंतु अब तुम्हारे अत्याचार व अधर्म को यह सृष्टि और बर्दाश्त नहीं करेगी। अब समय आ गया है सुबाहु कि हम तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का दंड दें। समय तो तुम्हारी मृत्यु का आ गया है गोरखनाथ। अगर तुम अपने आप को वीर समझते हो तो आओ हमारे साथ मलयुद्ध करो। मैं तुम्हें मलयुद्ध की चुनौती देता हूं गोरखनाथ। हाँ।
हे गुरुदेव, आप इस दुष्ट मायावी स्वभाव की बातों में न आए और इसकी मलयुद्ध की चुनौती को अस्वीकार कर दें, क्योंकि योगी राज भगवान भोलेनाथ के दिए वरदान स्वरूप स्वभाव की बुझाओं में हजारों लाखों हाथियों के समान शक्ति है। जी हाँ गुरुदेव, आप इस दुष्ट राक्षस की बातों में ना आकर अपने इस अमोघ त्रिशूल से इस पापी का वध करें। इसकी मलयुद्ध की चुनौती को स्वीकार करना उचित नहीं गुरुदेव। नहीं शिष्य चौरंगीनाथ, हम इस पापी का संहार मलयुद्ध से ही करेंगे, क्योंकि रणक्षेत्र में जब कोई योद्धा अपने प्रतिद्वंदी को जिस भी अस्त्र शस्त्र मलयुद्ध या अन्य किसी भी प्रकार से लड़ने की चुनौती देता है, तो सामने खड़े वीर पुरुष को चाहिए कि उसकी चुनौती को तुरंत स्वीकार करे और उससे उसी प्रकार का युद्ध करे जिसकी चुनौती उसे मिली है, परिणाम चाहे जो भी हो। गोरखनाथ ये अपने शिष्यों से क्या खुसर फुसर कर रहा है? शायद अपने शिष्यों से मुझसे बचने का उपाय पूछ रहा है। ये बेचारे क्या बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ इनकी भी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु इनकी नहीं बल्कि तुम्हारी निश्चित है सुबाहु। तुमने जितने भी ऋषि मुनि योगियों का वध किया है, अब उनका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। इसलिए मैं तुम्हारी मल्ल युद्ध की चुनौती को स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छा, तो आओ। मेरी ये भुजाएं तुम्हें मसलने के लिए आतुर हैं। जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ। जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ। ह
है? Yeah.
गोरखनाथ की जय। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की जय। नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ की जय। नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ की जय। नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ की जय। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की जय। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की जय। जके पालनहार गुरु गोरखनाथ की जय। जके पालनहार गुरु गोरखनाथ की जय।